जब कंटेंट डुप्लीकेशन होती है उसके सोल्यूशन भी होते हैं, उनमें से डिफरेंट सोल्यूशन डिफरेंट तरह के सिनेरियो में अप्लाई होते हैं। सो अभी मैं बात करूंगा www या non-www को कैसे हैंडल करना है, और अगर HTTP और HTTPS जैसे डुप्लीकेशन हैं तो इनको कैसे हैंडल करना है। तो इसको हैंडल करने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, और एक ही कमांड से आप पूरी की पूरी वेबसाइट या उसकी पूरी की पूरी डुप्लीकेशन को आप हैंडल कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जब भी आप एड्रेस चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप जिस घर में रह रहे हैं आप एक नए घर में जाते हैं, आपका एड्रेस चेंज हो जाता है। इसी तरह से हमें मालूम है कि वेब के ऊपर हर एसेट का, हर फाइल का एक एड्रेस होता है, क्योंकि एक जगह पे होस्टेड होता है और वो उसका यूआरएल क्रिएट होता है। अगर वो यूआरएल हमने चेंज करना है तो उसके लिए भी हम एक एड्रेस चेंज की कमांड देते हैं जो कि सर्वर के थ्रू अप्लाई होती है, और ये कमांड गूगल भी फॉलो करता है। गूगल को अगर आप ये बताएं कि भाई ये पुराना एड्रेस है और इसको अगर आप ओपन करेंगे तो ये नया एड्रेस ओपन हो जाएगा, तो वो उसको फॉलो करेगा और पुराने को वो ख़त्म करके नए को ही इंडेक्स कर लेगा। सो ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसके बगैर वेब चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ अक्सर कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ चेंज हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास HTTP पे SSL इंस्टॉल नहीं था, लेकिन जैसे हम SSL इंस्टॉल करेंगे तो हमारा URL चेंज हो जाएगा और हमें सर्वर ये अलाउ करता है कि हम अपने नए URLs को प्रमोट करें, पुरानों को ख़त्म कर दें। ख़त्म करने का तरीका क्या है कि अगर कोई उसको ओपन भी करेगा तो ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट होगा और उसको नया URL ही नज़र आएगा, पुराना नज़र नहीं आएगा। इसको टेक्निकल टर्म में रीडायरेक्ट्स बोलते हैं। ये अक्सर परमानेंट होते हैं और अक्सर टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट रीडायरेक्ट्स हमें चाहिए होते हैं क्योंकि हमेशा हमेशा के लिए जो चीज़ चेंज हो चुकी है आप उसको 301 जो कि परमानेंट URL का कोड है, आप 301 रीडायरेक्ट से उसको अप्लाई करते हैं ताकि जब भी कोई गूगल या कोई भी और सर्च इंजन आपकी वेबसाइट क्रॉल करे उसको पता हो कि भाई ये अब पुराने ख़त्म कर देने हैं और अब नया एड्रेस इंडेक्स कर लेना है। तो फॉर एग्जांपल ये करना कैसे है, तो इसके लिए हमें सर्वर पे एक htaccess के नाम से फाइल पड़ी हुई होती है, उसके अंदर कमांड्स लिखनी होती हैं। आप ये खुद कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसको सीख लें, लेकिन आप अगर डेवलपर से हेल्प ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर गलत कमांड लग जाए तो पूरी वेबसाइट बैठ भी सकती है। तो इसकी बेहतरी ये है कि आप पहले किसी डेवलपर के साथ डिस्कस कर लें, अपने क्लाइंट के अगर वेबसाइट आप हैंडल कर रहे हैं तो उनसे कहें अपना डेवलपर हमें कनेक्ट करवाएं, या वो अपने डेवलपर से बात करें कि हमें कंटेंट डुप्लीकेशन नज़र आ रही है जो कि SEO के लिए नुकसानदेह है और जो कि आपकी परफॉर्मेंस से बात आ जाएगी, आपने इसको फिक्स करवाना है। आप खुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डेवलपर से फिक्स करवाएं। तो पहली चीज़ हमने फिक्स करनी है कि www अगर URL उसमें नहीं है और मुझे डालना है पूरी वेबसाइट में तो मैं कैसे डालूंगा। तो होगा क्या कि मेरी वेबसाइट है abcmobiles.pk और इसको मैं चाहता हूं कि जब भी कोई abcmobiles.pk लिखे तो मेरा www.abcmobiles.pk ओपन हो। अक्सर लोग www पसंद करते हैं, अक्सर लोग नहीं करते। तो ये भी हो सकता है कि आप इसको रिवर्स कर दें, आप कहें कि कोई www.abcmobiles.pk ओपन करे तो वो उसमें से www. निकाल दो, बाकी abcmobiles.pk वही वेबसाइट ओपन कर लो। इससे क्या होगा कि कोई भी बंदा अगर कोई दूसरा वर्जन ओपन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली सही वर्जन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने www. डालना है पहले। होगा क्या कि जो www.abcmobiles.pk ओपन करेगा उसको तो वेबसाइट ओपन मिल जाएगी क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर चल रही है, लेकिन जो abcmobiles.pk ओपन करेगा उसमें www. नहीं लिखेगा, वो ऑटोमेटिकली www.abcmobiles.pk पे चला जाएगा क्योंकि मैंने पीछे सर्वर की साइड पे रीडायरेक्ट लगाया हुआ होगा। अब ये रीडायरेक्ट देखने में लगता कैसे है, तो एक छोटी सी कमांड आपको जो नज़र आ रही है ये रीडायरेक्ट को एग्जीक्यूट कर रही है। ये htaccess में इस तरह की आप फाइल कमांड लिख देते हैं htaccess के अंदर जो कि सर्वर में पड़ी हुई होती है, और उसमें ये क्या करेगा, वो फेच करेगा वो सारे URLs जो www के बगैर आ रहे हैं, और उनको जब वापस प्रेजेंट करेगा यूज़र को तो ऑटोमेटिकली ओपन वो वाले URLs होंगे जिसमें www. लगा हुआ होगा। तो सिंपल सी कमांड है, कोई भी नाम वो पकड़ेगा, वो देखेगा कि इसमें नहीं लिखा तो उसमें www ये चार लेटर वो डाल देगा, अगर लिखा है वो कुछ भी नहीं करेगा, वो आपकी वेबसाइट वैसे ही ओपन हो जाएगी। इससे ये होगा कि आपके जो दो वर्जन थे अब दो नहीं रहेंगे, वो एक हो जाएगा। गूगल भी उन सबको देखेगा कि उसको भी एक ही वर्जन मिलेगा और यूज़र को भी एक ही वर्जन मिलेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो हमने देखी थी कि SSL डालने से जब हमारे HTTP URLs HTTPS पे चले जाएंगे तो हम ये चाहेंगे कि सब सिक्योर सर्वर पे ही उसको ओपन करें। तो मैं क्या करूँगा, सेम कमांड उससे मिलती जुलती कमांड हम HTTPS में लिखेंगे, उसमें होगा ये
कि आपके जितने भी HTTP URLs जो होंगे वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट होंगे और HTTPS से ओपन हो जाएंगे। तो इसकी कमांड भी सेम कुछ इसी तरह से लिखी जाएगी। और इससे भी क्या सोल्यूशन निकलेगा, एक तो ये कि आपकी वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट सारे एक्सेस कर सकेंगे, चाहे वो सिक्योर URL डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं, या आपने इनेबल करना है या आपने क्लाइंट की वेबसाइट में इनेबल करवाना है ताकि आपका कस्टमर उसको सिक्योर हमेशा वेबसाइट मिले। दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपके जो दो वर्जन थे, जो HTTP यानी कि रेगुलर URL भी ओपन हो रहे थे और HTTPS के साथ भी वही URL ओपन हो रहा था, गूगल की नज़र में ये दो URL थे। गूगल इन दोनों को जब एक देखेगा, क्योंकि जो भी आप ओपन करें वो अल्टीमेटली एक ही ओपन करेगा जो कि HTTPS है, तो गूगल समझेगा कि इसकी दो पेजेस नहीं हैं, ये दो वर्जन नहीं हैं, वो एक ही वर्जन को कंसिडर करेगा और इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो कि कॉन्टेंट डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम है। अच्छा, ये चीज़ें HTTPS से भी हो सकती हैं, लेकिन वर्डप्रेस में अक्सर प्लगइन मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप विदाउट गोइंग टू द सर्वर, यानी कि आप सर्वर में लॉगिन किए बगैर भी वर्डप्रेस के अंदर से ही ये इसको हैंडल कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्डप्रेस एक बेस्ट CMS है, अगर आप वो यूज़ करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी विद इन द प्लगइन आप हैंडल कर लेंगे और आपको बेशुमार प्लगइन मिल जाएंगे जिसमें आपको ये सहूलत मिलेगी कि आप ये प्रॉब्लम्स फिक्स कर लें।